मिस्टर सिंह किचन देखने वालों को राजेंद्र सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि अगर घर में अच्छी सब्जी ना बनी हो या बनी ही ना हो तो हम जट से बोल देते हैं कि भैया अचार हो तो अचार ही दे दीजिए, हम उससे ही खा लेंगे। जी हाँ, अचार, अचार हमारे खाने का एक हिस्सा बन चुका है, पाक बन चुका है। और आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची का झटपट बनने वाला अचार। मैंने पहले भी एक अचार की रेसिपी डाली थी, गाजर का पानी वाला अचार, आप लोगों ने काफी पसंद किया उसको। इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरी मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम हरी मिर्ची ली है, जिनको हमें बाद में काटना है। 2 टेबलस्पून मैंने राई ली है, 1 टेबलस्पून मैंने दाना मेथी लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया है, 2 टेबलस्पून नमक लिया है, बाकी नमक स्वाद अनुसार भी हो सकता है, 2 पिंच मैंने हींग ली है, हींग का पाउडर, 2 नींबू के रस निकाल लिए मैंने, मीडियम साइज़ के नींबू के रस, और हाफ बॉयल कम से कम 5 बड़े चम्मच, 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। इसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। सबसे पहले हम हरी मिर्ची को लेते हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो हरी मिर्ची हमारी कट चुकी है, अब हमारे को थोड़े से मसाले तवे के ऊपर सेकने हैं, उसका मॉइस्चर कम करना है और एक हल्का सा तंदूरी फ्लेवर लेना है। तो हम गैस ऑन करके और हमारे सारे ये 3-4 चीज़ें हैं, ये राई हो गई और ये हमारी सौंफ हो गई, दाना मेथी और ये जीरा, इनको हमें थोड़ा सा सौते टाइप करना है जिससे इसका मॉइस्चर हट जाए और एक थोड़ा सा सिकाव आ जाए जिसमें एक फ्लेवर आ जाता है तवे पे सिकी हुई चीज़ों की। जिस तरह से हम जीरा वगैरह सेकते हैं तो उसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आता है, तंदूरी टाइप का फ्लेवर आता है, उस तरह का फ्लेवर आ जाए। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है इसको, 30 सेकंड के लिए ही इसको हमें सेकना है। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया, बस हमें आधा मिनट तक इसको पकाना है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत ही मसाले की, सिके हुए मसाले की। अब हमें इसमें इसको निकालना है मिक्सी के अंदर और इसको हमें पीस लेना है। मसाला भी इसके रेडी हो चुका है, ये हमने मिक्सी में मसाला पीस लिया है। अभी सारा मसाला हमें इसके अंदर डालना है और इसके बाद हमें डालना है इसके अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून नमक लिया था। बाकी आपको लगता है कि नमक कम हो ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार इसको कर सकते हैं चेंज ऊपर नीचे। और ये मैंने 2 नींबू बताया था वो मीडियम साइज़ के, ये नींबू का रस, और 2 पिंच मैंने हींग बताई थी आपको, हींग पाउडर, और ये है मैंने लिया हुआ था आपको बताया था सरसों का तेल, मैंने गरम करके फिर ठंडा कर लिया था। कुछ लोग ठंडा भी डालते हैं जिनको अगर सरसों का तीखा फ्लेवर पसंद होता है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सरसों का तेल भी हम इसमें डालेंगे जो मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच ले रखे थे। और अब हम इन सबको करना है मिक्स। तो सिंपल अचार है, ज़्यादा इसके अंदर मेहनत भी नहीं होती है, ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। और हाँ, कई लोगों की दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि इसके अंदर कि साहब ये अचार हम फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, तो 2 दिन तो आप कम से कम इसको धूप में रख लीजिए। सर्दियों का मौसम हो तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में अंदर इसके आप फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका कम से कम 2 महीने तक ये अचार चलेगा, इसके अंदर आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मिर्ची का अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब आप ये बताइएगा कि मेरे को ये अचार आपको कैसा लगा। मेरा ये अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नई रेसिपीज के साथ मिस्टर सिंह किचन में बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।